हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब थ्रो यूट्यूब चैनल। यूपी ट्रिपल एससी पेट के इस क्लास में हम लोग जानेंगे मौर्य वंश के बारे में। मौर्य वंश में यूपी ट्रिपल एससी पेट में जो है सम्राट अशोक के बारे में पूछा जाएगा। तो इस वीडियो में मौर्य वंश की डिटेल में बात करेंगे, इसकी थ्योरी जानेंगे, उसके बाद जो है इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे ही पेट का सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर देंगे। डेली 2-3 प्रैक्टिस सेट करेंगे जिससे जो है एग्जाम से पहले आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। इसमें जो है सम्राट अशोक के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो सबसे पहले सम्राट अशोक का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो पाटलिपुत्र में हुआ था। पाटलिपुत्र, अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए पेट में, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है सम्राट अशोक का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो पाटलिपुत्र में हुआ था। और अगर ये पूछा जाए इनके राजकाल यानी कि राज्य का कार्यकाल कब तक रहा है, तो 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व। इनकी मृत्यु की बात की जाए, सम्राट अशोक की मृत्यु कब हुई थी, तो 232 BC यानी कि 232 ईसा पूर्व में जो है सम्राट अशोक की मृत्यु हुई थी। और इनके पत्नी का नाम महारानी देवी है। सम्राट अशोक को जो है विश्व के महान शासकों में से एक जाना जाता है, जिन्होंने बाद में जो है बौद्ध धर्म अपना लिया था। इनके बारे में अशोक के कई अभिलेख मिले हैं, जैसे कि स्तंभ लेख, गुहा लेख और शिला लेख जो है, जिसमें इनके बारे में जानकारियां प्राप्त हुई हैं। अशोक के राजकाल की सबसे बड़ी घटना जो है कलिंग युद्ध थी, जिसमें अशोक ने विजय प्राप्त की थी। और इसका स्रोत जो है 13वां शिलालेख है। अशोक के राज्याभिषेक के समय जो है 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में जो है कलिंग का युद्ध हुआ था। तो अगर ये पूछा जाए कलिंग का युद्ध कब हुआ था, तो 261 ईसा पूर्व, और अशोक का जब राज्याभिषेक हुआ था उसके 8 साल बाद जो है कलिंग का युद्ध हुआ था, जो इनके राज्यकाल की सबसे बड़ी घटना थी। सम्राट अशोक के कुछ प्रांत और उनकी राजधानियों की बात करें, तो उत्तरापट जो कि तक्षशिला राजधानी थी, और अवंतरट की उज्जैनी, कलिंग की तोसली, दक्षिणापथ की सुवर्णगिरी और प्राच्या पूर्वी की पाटलिपुत्र। और अकाल के समय इन्होंने जो है अनाज जो है फ्री में वितरण करवाया था, अनाज का, जिसका विवरण जो है सोहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख में है जो कि गोरखपुर में है। इसके अलावा महास्थान अभिलेख बोगरा जो कि इस समय बांग्लादेश में है, इन अभिलेखों में जो है अकाल के समय जो अन्नगार से मुफ्त अनाज का वितरण किया गया था उसके बारे में बताया गया है। तो अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की मौर्य साम्राज्य के, जो कि आपके किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, किसने यूनानियों को भारत से खदेड़ दिया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है यूनानियों को जो है भारत से खदेड़ दिया था। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था, तो सेल्यूकस निकेटर था। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन जो है अर्थशास्त्र के लेखक थे। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में कहाँ तक फैला था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य जो है सिंधु नदी तक फैला हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध शिक्षक चाणक्य के शिक्षा के किस केंद्र से जुड़े हुए थे, तो ये तक्षशिला से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडुलिपियों के मूल संस्थापक और कौटिल्य के अष्टशास्त्र के संस्थापक कौन थे, तो कौटिल्य के अष्टशास्त्र के संस्थापक आर समाशास्त्री थे। सी ऑप्शन आपका सही होगा। कौटिल्य का अर्थशास्त्र मुख्य रूप से किससे संबंधित है, तो राजनीतिक राज्य शिल्प से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था, तो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत भारत का पहला दौरा कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत कौन था जो कि भारत का पहला दौरा जिसने किया था, तो मेगस्थनीस था। सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार के शासनकाल के दौरान में अशांति थी, कहाँ पे अशांति थी, तो तक्षशिला में अशांति थी। सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुसार ने में विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को भेजा था, तो ये जो है उज्जैन में विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अशोक को भेजा था। अगला क्वेश्चन है, अशोक किस वंश का राजा था, तो मौर्य वंश के राजा थे।
बी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक की पत्नी कौन थी जिसने उन्हें प्रभावित किया था? तो करुणवा की सी ऑप्शन आपका सही, इनके द्वारा जो है वह बहुत प्रभावित हुए थे। अगला है, किस भारतीय शासक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था? कलिंग का युद्ध तो अशोक ने ही लड़ा था, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। इनके जीवन की सबसे बड़ी घटना थी और जब इनका राज्याभिषेक हुआ था उसके 8 साल बाद जो है कलिंग का युद्ध लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश का कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व यानी कि ए ऑप्शन आपका सही है। किस घटना से अशोक की प्रशासनिक नीति में गहरा परिवर्तन आया था? तो कलिंग के युद्ध के बाद जो है इनकी प्रशासनिक नीति में गहरा परिवर्तन आया था। नेक्स्ट देखते हैं, अशोक ने किस शिलालेख में कलिंग युद्ध के जनहानि का उल्लेख किया है और युद्ध के त्याग की घोषणा की है? तो उस शिलालेख का नाम है शिलालेख 13। बी ऑप्शन आपका सही है, ये आप याद रखिएगा। अगला है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने के लिए अशोक को प्रभावित करने वाला भिक्षु कौन था? तो उपगुप्त जिन्होंने जो बौद्ध धर्म के लिए जो है प्रभावित किया, बी ऑप्शन आपका जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों में किसी लिपि का प्रयोग किया गया है? तो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है, डी ऑप्शन आपका सही है। अशोक के साम्राज्य के किस भाग में उसके शिलालेख खरोष्ठी लिपि में लिखी गई थी? तो उत्तरी पश्चिमी भाग में शिलालेख जो है खरोष्ठी लिपि में लिखे गए थे। अगला क्वेश्चन है, अशोक के अधीन मौर्य राजशाही का सबसे सटीक विवरण क्या होगा? प्रबुद्ध निरंकुशता, केंद्रीय निरंकुशता, निरंकुशता या फिर प्राच्य निरंकुशता या फिर निर्देशित लोकतंत्र? तो ए ऑप्शन आपका सही है, अशोक के अधीन मौर्य राजशाही का सबसे सटीक विवरण प्रबुद्ध निरंकुशता। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस शासक से अपने प्रतीकों को उधार लिया और अपनाया है? तो अशोक से, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। कई प्रतीकों में जो है अशोक चिन्ह है, आप देख सकते हैं अपने आसपास। राष्ट्रीय ध्वज के धर्म चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो राष्ट्रीय ध्वज के धर्म चक्र में 24 तीलियां होती हैं, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन के तहत सीताध्यक्ष किसके प्रभारी अधिकारी थे? तो मौर्य प्रशासन के तहत सीताध्यक्ष जो है कृषि के प्रभारी होते थे, कृषि, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 3 अलग अलग कालों अर्थात मौर्य काल, गुप्त काल और मुगल काल के शिलालेखों वाला एक स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है इलाहाबाद प्रयागराज में स्थित है, सी ऑप्शन आपका सही है। 3 अलग अलग काल मतलब मौर्य काल, गुप्त काल और मुगल काल, इनके शिलालेखों वाला एक स्तंभ जो है इलाहाबाद में स्थित है। तो ये मौर्य काल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आप इसकी PDF डाउनलोड कर लें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया और कमेंट में पिन है, और इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।